आप मुझे बताएंगे ऑपरेशन पोलो किस सन में चलाया गया था। एकदम शानदार जवाब है। शिवम कुमार शिवम सारणपुर। देखिए शिवम इनका नाम है और ये SSC CGL के अंदर सिलेक्टेड है। मैं ठीक बोल रहा हूँ? आपको पोस्ट मिला है कि अभी बाद में मिलेगा? अभी ज्वाइनिंग, अभी 20 तारीख की ज्वाइनिंग है अभी। किस पद पर आपको चयन? अकाउंटेंट के पद पे। अकाउंटेंट CAG। देखिए बहुत शानदार है। मैं CGL के बारे में एक बार इनसे बातचीत करूँगा। ये बताइएगा CGL का जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उससे पहले भी आपने अलग अलग एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया था या फिर ये पहला एग्ज़ाम है? नहीं, इससे पहले मैंने 2 एग्ज़ाम क्लियर किए थे। रेलवे ग्रुप डी, एक रेलवे ग्रुप डी था, एक SSC CHSL था 2022 वाला ही। CGL 2022 था। अभी मैंने CGL 2023 का मेंस दिया है जिसमें मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा है, 329। ओके, इससे पहले आप CHSL भी क्वालिफाई कर चुके हैं। रेलवे ग्रुप डी भी आपने दिया था? हाँ जी, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था लेकिन मेरा हो गया था जी। आने वाला जो CGL का एग्ज़ाम है उसके लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बस कंसिस्टेंसी रखो, प्रैक्टिस रखो, अच्छी मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस करो। इस बार जैसा मैथ्स का एग्ज़ाम आया है उसमें यही है, बस कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। आपका स्कोर कितना था प्रीलिम्स में? कितना स्कोर? प्रीलिम्स में मेरा स्कोर था 178.5। एंड मेंस में? मेंस में मेरा 329। आउट ऑफ 390। मतलब देयर इज इनफ स्कोर, पर्याप्त स्कोर है और एक अच्छी आप। अच्छा, ये जो आपको पोस्ट मिली है ये आप पहले से इसी पोस्ट को चाहते थे या फिर ये रेंडमली आप चाहते हैं कि नहीं दूसरा पोस्ट है इसके लिए मैं मुझे तैयारी करना चाहिए? पिछली बार मेरा स्कोर इतना नहीं था तो मैं 4600 ग्रेड पे की पोस्ट भरी नहीं थी मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में, तो इस बार मेरा स्कोर अच्छा रहा है। ये मैंने जो मुझे पोस्ट मिली है ये सेकंड प्रेफरेंस पे रखी थी। पहले पे मैंने ऑडिटर रखा था, दूसरे पे अकाउंटेंट रखा था। 4600 मैंने भरी नहीं थी, इस बार मेरा स्कोर अच्छा रहा है तो इस बार GST इंस्पेक्टर मैं आसपास ही लेने की कोशिश करूँगा। ओके, देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके पास मैं बैठा हूँ एकदम सही जगह बैठा हूँ। आपको देखिए इस तरह के विद्यार्थी बहुत मिल जाएंगे। मैं पहले भी आ चुका हूँ, 1 ईयर अगो मैं यहाँ पर आया था। अलग अलग तरह के विद्यार्थी यहाँ पर जो कि UP SSC या फिर UPSC या फिर SSC के अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हैं। आप यहाँ पर कितना टाइम से पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में? मैं पहले तो घर पर स्टडी करता था, मुझे लगभग हो गया 6 महीने यहाँ पर भी जी। आप प्रेफर करना चाहेंगे जो विद्यार्थी घर से तैयारी करते हैं या फिर लाइब्रेरी? बोथ आर डिफरेंट इन माय ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि एक विद्यार्थी अगर घर पर तैयारी करता है या फिर लाइब्रेरी में तैयारी करता है तो दोनों में अंतर होता है, कौन सा प्रेफर करेंगे, कौन सा बेस्ट है? अगर किसी को दिन का शेड्यूल रखना है तो लाइब्रेरी आए, किसी को दिन में सोना है रात को पढ़ना है तो घर पर पढ़े जी। आपको लगता है कि लाइब्रेरी में ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है कंपैरिजन अगर हम घर से तुलना करें तो, ऐसा कुछ मानते हैं आप? नहीं, लाइब्रेरी में अच्छी होती है लेकिन अगर आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं आपको रात को अच्छा लगता है पढ़ना, आप घर पे पढ़ें। देखिए लाइब्रेरी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए अगर आप समय मिलता है घर पर इतना आप नहीं पढ़ाई कर। मैं नौकरी ड्यूटी करके मैं तुरंत यहाँ पर आता हूँ, चाहे मैं 1 घंटे के लिए आता हूँ लेकिन मैं पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। रॉक गार्डन वर्तमान में कहाँ पर है? इन हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? मूसी नदी। शायद मूसी नदी। आपको पता है एक वॉर हुआ था, मतलब ऐसे समझो लड़ाई हो गया था हैदराबाद में। हैदराबाद जो है वो जो लड़ाई हुई थी स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि वो अपने स्टेट को जो है भारत में सम्मिलित नहीं करना चाह रहे थे, तो उस टाइम पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? वो शायद ऑपरेशन पोलो था। ऑपरेशन पोलो था। आप मुझे बताएंगे ऑपरेशन पोलो किस सन में चलाया गया था? एकदम शानदार जवाब है। वर्तमान में आपने देख रखा रूस और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको पता है कि यूक्रेन वर्तमान में जो यूक्रेन है उसकी कैपिटल क्या है? कीव। एग्जैक्टली ठीक है। और रूस के बीच में चल रहा है तो रूस की कैपिटल क्या हो जाएगी? मॉस्को हो जाएगी। आप बता सकते हैं मुझे कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में पुतला जलाने की, मतलब राइट टू वर्न एफिजी, ये जो राइट है वो किस आर्टिकल में दर्ज है? पुतला जलाना इज़ लाइक अ राइट ऑफ प्रोटेस्ट, सो इट विल कम अंडर आर्टिकल 19 फर्स्ट। एग्जैक्टली। एंड 19 सेकंड वॉट इज कमिंग? कैन यू प्लीज एलाबोरेट? विदाउट आर्म यू विल बी असेंबल्ड, है ना? आप बिना किसी हथियार के कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं, ये उसमें ये सवाल आया था। आप मुझे बताएंगे संविधान की जो रीढ़ होती है वो किस अनुच्छेद को बोला जाता है? संविधान की रीढ़ मे बी आर्टिकल 32। नहीं, वो संविधान की आत्मा होती है, है ना? रीड, हम फिर फंडामेंटल राइट्स को बोलेंगे रीड जी। वो उसमें भी एक अनुच्छेद है आर्टिकल 19।
अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, ओके.